बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चकोर पराठे की रेसिपी दे रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट होइए। मैंने आटा घर का गंदम का लिया है, मैंने गूंदा हुआ ही घी लिया है और सूखा आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जितना बड़ा करना उतना पराठा बना सकते हैं। पेड़ा बड़ा ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। ये देखिए, बस इतनी बारीक रोटी आपने करनी है, ऊपर घी लगा लेना। बहुत मज़े का बनता है, क्रिस्पी बनता है और चाय के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। या बेसन मैदे का ही बना सकते हैं, लेकिन मैं गंदम का बना रही हूँ। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर देनी। इस पेड़े को 5 मिनट के लिए आपने रेस्ट के लिए छोड़ देना। ये 5 मिनट हो गए, फिर हाथों के साथ ऐसे आपने दबा के ना इसे करना है। थोड़ी सी आटे की डस्टिंग कर लेनी, फिर अब इसे बेल लेना। बहुत मज़े का बनता है चकोर वाला पराठा, बनाया करें आप लोग भी और मुझे बताया करें मैसेज पे। और मेरा लिंक फेसबुक पे मैंने ये लिंक दिया हुआ है इसका, और उधर भी फॉलो करें मुझे फेसबुक पे भी। ये मेरा चकोर पराठा मैं आप तवे पे डालने लगी हूँ। मैंने इसके नीचे बिल्कुल दम वाली आन चलाई हुई थी, प्रीहीट कर किया हुआ ये पैन। अभी साइड पे घी लगा देना है अपने। ये फूलना स्टार्ट हो गया, अब इसकी साइड बदलानी है। बहुत सॉफ्ट बनता है ये पराठा, बहुत मज़े का बनता है। अचार के साथ तो इसका मज़ा और भला हो जाता है। अब मैंने तेज़ आंच कर दी इसकी। Thank you.
अब मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाती हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा चकोर पराठा रेडी हो गया। ये देखें क्रिस्पी इसका आप आवाज़ सुन सकते हैं और सॉफ्ट पन इसका। ये देखें इसके अलग-अलग अलग-अलग से ये पड़ते हैं सारे, सारी जितनी तैयार लगती है ना सारी अलग अलग होती है। बहुत मज़े का है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरा फेसबुक के पे भी पेज है फा किचन के नाम से, उसे ही फॉलो करें आप लोग।